विलायत से जुड़े रहें, खुदा आपकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। ये सिंध का इलाका, मुझे खुद इससे बहुत मोहब्बत है, सिंध की जमीन से, सिंध की खाक से मोहब्बत है, सिंध के लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि मालूम है इस सिंध का रिश्ता अहले बैत से बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, अहले बैत के जमाने से है रिश्ता। ये जो यहाँ विलायत की नखत महसूस होती है, खुशबू महसूस होती है, ये खुशबू जो है वो गैर मामूली है। ये 1400 बरस में भी ये खुशबू मिटी नहीं है, तो ऐसा एहतमाम कीजिएगा कि कयामत तक भी मिटने ना पाए। ये इश्क अहले बैत, ये विलायत, ये आजादारी, इसे कायम रखना है। नखत पर, महक और खुशबू पर मुझे एक शेर याद आ गया, और वो शेर मेरा नहीं है, वो एक अहले सुन्नत वल जमात शायर का है, और बहुत मशहूर और मारूफ शायर है, मोतबर शायर, मुकम्मल उस्ताद, अदीब, नक्काद, सहाफी, शायर, उस्ताद, मरहूम मखूर मखमूर सईदी। मखमूर सईदी, जो लोग अदबी शौक रखते हैं, मुमकिन नहीं है कि वो वाकिफ ना हो, बहुत छपते थे वो दुनिया भर के उर्दू रसायल में। ये फकीर साल में 2-3 मरतबा अपने घर पर दिल्ली में मुसालिमा और मनकबत की नशस्त किया करता था, मैं खुद, और उसमें वो मखमूर सईदी साहब हर नशस्त में तकरीबन आते थे, तो मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने कई सलाम और कई मनकबतें कहीं। उसमें एक मरतबा जो उन्होंने मनकबत कही वो ये थी, बस उसके दो शेर सुनाऊंगा, एक मतला और एक शेर। उन्होंने फरमाया कि नाम अली को क्यों न मैं रूह की ताजगी कहूं, नाम अली को क्यों न मैं जमाना बावाजे बुलंद तरीन तलवार, नाम अली को क्यों न मैं रूह की ताजगी कहूं, वादिये जां महक उठे जब मैं अली अली कहूं, नाम अली में खुशबू है, खुशबू है, नाम अली में खुशबू, नारे हैदरी में खुशबू है। इसीलिए जब नारे हैदरी बुलंद होता है तो जो सेहतमंद दिल दिमाग नहीं रखते उन्हें ये खुशबू अच्छी नहीं लगती। नाम अली को क्यों न मैं रूह की ताजगी कहूं, वादिये जां महक उठे जब मैं अली अली कहूं। और उसके बाद एक शेर का है, बस यही आज फजाइल का बयान रोक दूंगा। और वो शेर उन्होंने ये कहा कि इब्ने अली की जिंदगी, इब्ने अली की जिंदगी शरह सिफात आदमी, आदमी के सिफात होते हैं, आदमी के कमालात होते हैं, इंसान। इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, वाज़ेह बात, इब्ने अली की जिंदगी शरह सिफात आदमी, इब्ने मुआविया तुझे कैसे मैं आदमी कहूं, माशाल्लाह, मरहबा।
نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جام حق اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں۔ بس میری تقریر ختم ہو گئی۔